मैं मंत्र पढ़ूंगा, मंत्र पढ़ने के बाद माला को धारण कर लो, गुटिका को घर को जाने के बाद आप 3 बार घुमाकर दक्षिण दिशा को डाल दो और यंत्र को जितना हो सके पूजा स्थान में रखो या आपके जेब में कोई संकट काल में जाते समय आपके पास रख लेना चाहिए। माला धारण कर आपको जो महामाया यंत्र दिया है उसके ऊपर चौकी पर रखकर कोई लाल फूल चढ़ाकर इस मंत्र को अगर 11 माला मंत्र जप करते हैं तो आपकी निश्चित रूप से इच्छा पूर्ण होती है। मंत्र इस प्रकार है, मेरे साथ बोलो जिन्होंने महामाया यंत्र लिया है, बोलो ओम महामायाम हरेश्चैषा हरे चैषा तत्तया सम्मोहते जगत ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। हे माँ तू हमको मोह और माया में डालती हो, लेकिन मोह माया में जिसे डालती हो इसका उद्धार भी तू ही करते जा, क्योंकि हम मोह माया में पड़े हुए हम इसमें ही डूब कर रह जाते हैं, न हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं न वीरता को प्राप्त करते हैं। हमको इस मोह माया में डाल, लेकिन मोह माया से हमें उठा लेने की बात भी, मोह माया से दूर करने की बात भी, और आप सभी तरीके से हमारे को इसमें एक प्रकार की सहायता करने में भी आपकी सहायता हो। जो मनुष्य मोह माया में पड़ा वो अहंकार हो जाता है, अहंकार होने के बाद अपना स्वयं का नाश चाहता है, माया तो डालेगी। भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मोहन तब हुआ जब मैं तेरी आराधना किया, मुझे सर्वसम्मोहन करने की विद्या मुझे कब प्राप्त हुई, जब मैंने तेरे स्तोत्र का तेरे मंत्र का पाठ किया। इस महामाया यंत्र के सामने अगर इस मंत्र की 11 माला करते हैं और महामाया अष्टक पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हुई।